नेस्टेड इफ क्या होता है बच्चों? जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाते हैं ना, तो उसको हम बोल देते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ। ठीक है, ये जो नेस्टेड है लूप भी होगा बच्चों, नेस्टेड लूप भी होता है, फंक्शंस भी होता है, कंसेप्ट सेम रहता है। ठीक है, जब आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाएंगे तो उसको हम बोल देते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो ये इसमें प्रोग्राम हम सेम रखेंगे, कंपेयर थ्री नंबर्स, ओके, एंड शो द, इसमें स्मॉलर कर लेते हैं, स्मॉलर वन। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीन नंबर्स लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि विच वन इज स्मॉल। कंपेयर थ्री नंबर्स एंड शो द स्मॉलर वन। ठीक है, तो जैसे कि पहले तो इसका मैं फॉर्मेट बता देती हूँ आप कैसे लिखेंगे। गुड आफ्टरनून, इफ, इफ के बाद क्या लिखेंगे आप, क्या लिखते हैं, कंडीशन, और उसके बाद आप क्या लिखते हैं बच्चों, स्टेटमेंट्स विच यू वॉन्ट टू रन इफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से एक इफ के अंदर दूसरा इफ है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। इसका मैं एक प्रोग्राम अभी करके बता देती हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो हमें क्या करना है बच्चों, थ्री नंबर्स को कंपेयर करना है ना। फर्स्ट वी हैव टू टेक थ्री नंबर्स, जैसे कि पिछले प्रोग्राम्स में हमने किया है। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिसाइड दैट विच डेटा वी रिक्वायर्ड। ओके, कौन से वेरिएबल्स की हमको नीड है। तो हमें थ्री वेरिएबल्स की नीड है यहाँ स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए इक्वल्स टू फोर। ओके, ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 4, 5, 6। ठीक है, ये हमने डेटा दे दिया। अब हमारी कंडीशन क्या होती है बच्चों, हमारी कंडीशन होती है सबसे पहले क्या सिचुएशन बनेगी, हम किसको कंपेयर करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो उसके बाद हमको क्या देखना है बच्चों, कि क्या ए सी से भी बड़ा है, सॉरी इसमें स्मॉल देखना ना, तो ए स्मॉलर देन, ए स्मॉलर देन बी, अगर ए स्मॉलर देन बी है देन वी विल चेक वेदर ए इज स्मॉलर देन सी ऑल्सो। तो हम फिर इस इफ के अंदर दोबारा से चेक करेंगे कि इफ ए इज स्मॉलर देन सी, ओके, देन ये क्या करते हैं, डिस्प्ले कर दे प्रिंट, ए इज स्मॉलर नंबर। ओके, ऐसे ही चलेगा जो प्रोग्राम है। देखो, जब आप कंपेयर करोगे, आप पहले ए को कंपेयर करोगे, क्या ए बी से छोटा है, ये देखो, क्या ए जो है वो ए ले लिया 4। ठीक है, ए बी से छोटा है, बी के अंदर क्या है 5, आंसर आ गया ट्रू। अगर ट्रू आ गया इन दैट केस वी विल चेक इफ ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ए इज लेस देन 6 होल्स। ठीक है, सेकेंड वाली कंडीशन कब चेक करेंगे हम, जो हमारी ये वाली कंडीशन है बच्चों, इसको कब चेक करेंगे, ओनली इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से कम है ओनली देन वी विल चेक दिस वन स्टेटमेंट। ओके, इसको यहां लिख लेते हैं। कंसेप्ट क्या बनता है, अगर आप डेली लाइफ में भी आप कंपेयर करोगे तो आप क्या सोचोगे कि इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी है देन यू विल कंपेयर दैट इफ ए इज लेस देन सी ऑल्सो। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो उस केस में ये क्या कर दे, प्रिंट ए इज स्मॉलर।
ओके, ए इज स्मॉलर नंबर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इसने ही आई है चेक कर दिया। अभी सिर्फ मैं इतनी प्रोसेसिंग आपको रन करके दिखाऊंगी, ये नेस्टेड इफ है, ठीक है। इस केस में कैसे प्रोसेसिंग चलती है बच्चों, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो ये इसके अंदर वाले इफ को चेक करेगा, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाता है, अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाता है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट नेक्स्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये इस इफ को इफ पे नहीं आया तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है। अगर इसकी भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। और ये इस इफ को कब चेक करेगा बच्चों, जब इस इफ का जो रिजल्ट है वो ट्रू होता है, ठीक है। इसको एक बार डिबग करके देख लेते हैं, डिबगर स्टार्ट करते हैं जरा। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, रन। ओके, डिबगर इज ऑन। ओके, स्टेप यहां देखो, अभी इसने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो भी रन होना स्टार्ट नहीं हुआ। स्टेप, ये इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया इसने, तो यहाँ पे दे दिया A 4, B 5 और C 6, ठीक है। फिर स्टेप किया इसने, ओके, अब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ A लेस देन B, अगर इसको भी कर देते, ठीक है। प्रोसेसिंग नहीं दिख रही थी ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि आपको सोर्स को भी टिक करना है, ग्लोबल, लोकल, तो ये सभी वेरिएबल्स की वैल्यू दिखाता है आपको, ठीक है, प्रोसेसिंग दिखाता। अगर आप सोर्स अनसेलेक्ट कर देते तो ये प्रोसेसिंग नहीं दिखाता यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको हम एंड कर देते हैं, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। ओके, रन मॉड्यूल, यहाँ स्टार्टिंग से देखो, अभी प्रोसेसिंग पता चल रही है ना आपको, आपको श्योर करना है बच्चों ये सारे आपके टिक हैं, ठीक है। तो आपने दिया यहाँ ए बी सी, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, स्टेप, ये ज्यादा ही फास्ट चल गया, हाँ दोबारा रन करते, स्टेप ए बी सी, यहाँ ये तीनों वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, ये देखो, ठीक है, तीनों वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। उसके बाद हम करेंगे स्टेप, ये देखो, ये इफ का रिजल्ट जो है वो क्या था, ट्रू। अगर इस इफ का रिजल्ट ट्रू था तो इस इफ के ऊपर आया है ना, और फिर इसने ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड जो भी फाइल है इसके पास, रन डॉट पी वाई, वो वाली इसने ओपन करी, ठीक है। उसमें से इसने, फिर हैंग हो गया क्या, हो गया होगा, ठीक है। ये देखो, ए इज स्मॉलर नंबर, ये इस इफ के पे कब गया, जब इस इफ का रिजल्ट ट्रू था, ठीक है। सपोज करो मैं ए को कर देती हूँ यहाँ पे 12, अब जरा एग्जीक्यूट करते हैं इसको, रन। ओके, या यहाँ एक और स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रिंट, क्या प्रिंट कर दे, एंड ऑफ प्रोग्राम, ये मैसेज डिस्प्ले कर, ठीक है। अभी जरा इसको रन करते हैं, ये देखना, अभी यहाँ पे क्या होगा, A less than B, ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी, तो इस इफ के अंदर ये चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। स्टेप देखो, यहाँ पे A is less than B, ये कंडीशन फॉल्स होगी, A में 12 है, B में 5 है, ठीक है। स्टेप ये देखो, ये अंदर आया ही नहीं है ना, क्योंकि यही कंडीशन फॉल्स होगी। नेस्टेड इफ में बच्चों अंदर वाला इफ कब एग्जीक्यूट होगा, उसको चेक कब करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको चेक कब करेगा, जब बाहर वाले इफ कंडीशन की वैल्यू ट्रू है। अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता तो ही अंदर आएगा, अभी इसका रिजल्ट फॉल्स आया था तो ये क्या हुआ, इस वाली लाइन पे आ गया, ठीक है। प्रिंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट चल गई यहाँ पे, ठीक है, रन डॉट पी वाई में उसकी डेफिनेशन है, ठीक है बच्चों।
तो अगर मान लो मेरी ये कंडीशन ट्रू कर लेते, तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं। पहली सिचुएशन हमने ली थी कि ए दोनों से स्मॉल है, दूसरी सिचुएशन ली थी ए किसी से भी स्मॉल नहीं है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं हम कि ए जो है वो बी से तो स्मॉल है लेकिन सी से स्मॉल नहीं है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या प्रोसेसिंग रहेगी। ये देखो अभी इसने ये वाली कंडीशन चेक की, हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, इस कंडीशन का ट्रू आएगा, है ना। 12 इज लेस देन 15, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, तो ये अंदर वाले इफ पे जाएगा। स्टेप गया, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगा बच्चों, ये अंदर वाले इफ पे गया, इट डजंट मीन दैट इट विल एग्जीक्यूट दिस प्रिंट स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू होता है ओनली इन दैट केस इट विल एग्जीक्यूट दिस वन स्टेटमेंट। स्टेप ये देखो, ये वाली स्टेटमेंट पे गया ही नहीं, है ना। ये जैसे इसका रिजल्ट फॉल्स मिला वैसे ही क्या आ गया, बाहर आ गया। बाहर आने का मतलब ये है कि जो वो इफ कंडीशन के अंदर जो भी कुछ है ना बच्चों, वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। स्टेप ये फिर वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्लोज हो गया। सिर्फ एंड ऑफ प्रोग्राम इसने शो किया, डिबग ये यहाँ, और कुछ शो नहीं करा के विच नंबर है। अच्छा अभी तो हमने कंपेयर किया था कि इफ ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन सी, सेम वे में हम क्या करेंगे बी के लिए लिख लेंगे। ओके कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिफ। एलिफ क्या चेक करेंगे, बी को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हम लोग। बी इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन सी, अगर बी लेस देन ए है एंड बी लेस देन सी है, इन दैट केस व्हाट इट विल डिस्प्ले, सी बी इज द स्मॉलर नंबर, ये डिस्प्ले करते, ठीक है। एल्स फिर से सी को चेक करेंगे, चार सिचुएशंस पॉसिबल है, चार पॉसिबिलिटीज है इसमें, ठीक है। ए इज स्मॉलर, बी स्मॉलर, सी स्मॉलर एंड फोर्थ वन इज, ऑल नंबर्स आर सेम, ठीक है, तीनों के तीनों नंबर हमारे सेम भी हो सकते हैं। सी लेस देन ए एंड उसके बाद ये क्या चेक करें, इफ सी इज लेस देन बी ऑल्सो, ठीक है, तो इन दैट केस इट विल प्रिंट सी इज द स्मॉलर नंबर। ओके ये चेक कर, एल्स एल्स क्या कर दे, ये एल्स क्या प्रिंट कर दे, ऑल नंबर्स आर सेम, ठीक है। एल्स क्या प्रिंट कर दे, ये ऑल नंबर आर सेम, ठीक है, ये डिस्प्ले कर दे एल्स, ठीक है। स्टेप करेंगे, इस वाली सिचुएशन में हमारा कौन सा नंबर सबसे स्मॉल है, सी वाला, ठीक है। सबसे पहले ये ए लेस देन बी को कंपेयर करेगा, इसने देखा ए लेस देन बी कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा इफ पे, ठीक है। क्या ज्यादा ही फास्ट हो गया, चलो दोबारा रन मॉड्यूल। ओके स्टेप, ए लेस देन बी कंडीशन ट्रू, तो उस केस में इसने अंदर आया ए लेस देन सी। ओके ये कंडीशन इसकी, ये जो एलिफ है ये किसका पार्ट है बच्चों, ये इस इफ का पार्ट है, आया समझ में, ये जो एलिफ है ये इस इफ का पार्ट है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होएगी, ओके तो उस केस में ये एलिफ चलेगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है लेकिन हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है ना। तो इसका मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद तो इसका एल्स पार्ट चलेगा ना, लेकिन ये एल्स किसका पार्ट है, ये एल्स है हमारा इस इफ का,
जैसे ही ये इफ ट्रू हो जाता है वैसे ही इसकी कनेक्टिविटी आगे के एलिफ और एल्स से खत्म हो जाती है। आई प्रोसेसिंग समझ में? यस और नो? पता चला डिबगिंग का फायदा? देखो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये जो इफ कंडीशन है, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो उस केस में आगे की कंडीशंस नहीं चलाएगा। ये क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये किसका पार्ट है बच्चों? इस इफ का। अगर ये इफ फॉल्स होती है उस केस में ये क्या करेगा? इस एल्स इफ पे जाएगा। लेकिन ये इफ तो ट्रू हो रही है, जब ये इफ ट्रू हो रही है तो उस केस में क्या करेगा? ये कहां किस पे किसको चेक करेगा? इसको। और इस एफ की, इस इफ की कोई भी एल्स से कनेक्टिविटी नहीं है, तो जैसे इसका इफ का रिजल्ट फॉल्स होता है तो ये कहां जाता है? ये बाहर आ जाता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज करके देखते हैं इसमें, ये जो एल्स है ना इसको इस इफ का पार्ट बनाते। अच्छा इस इफ का पार्ट, अब मैं ये कह रही हूं कि ये जो एल इफ है ये इस इफ का पार्ट है। कैसे है इस इफ का पार्ट? कैसे नहीं है? इसमें हमारा काम करता है बच्चों इंडेंटेशन। ठीक है, ये जो इफ है, एलिफ है, ये इस इफ के नीचे है, तो इसका मतलब ये इसका पार्ट है। अगर मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब ये वाला जो एलिफ है ये किसका पार्ट हो गया बच्चों? ये इस इफ का पार्ट। आया समझ में? तो ऐसे ही हम इन सारों को शिफ्ट कर देंगे। इंडेंटेशन भी बहुत मैटर करती है इस केस में। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे प्रोसेसिंग चलती है। जितने आप लोगों को ये जो प्रोसेसिंग ये समझ आ गई ना, उस दिन से प्रोग्राम बनने स्टार्ट होते हैं। जब तक ये समझ नहीं आएगी ना, जब तक ऐसे ही कभी प्रोग्राम नहीं बनेंगे। रन किया, देखो स्टेप किया, एबीसी डिक्लेयर हो गए, ए लेस देन बी ट्रू है ना। जैसे ही ये ट्रू हुआ वैसे ही क्या हो गया? इस इफ के अंदर आ जाएगा, है ना, इस इफ को चेक करेगा। स्टेप, इस इफ को चेक किया, ए लेस देन सी, 12 लेस देन 6 नहीं है, तो ये इसका रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स। फिर ये इसको कंपेयर करेगा, ये जो प्रोग्राम बना ना हमने जो अभी टाइप किया, इस प्रोग्राम का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, ये कोई मीनिंगफुल प्रोग्राम नहीं है। इस वाले प्रोग्राम के थ्रू हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चों कि एक्चुअल में ये इफ एलिफ के अंदर जाता कैसे है। ठीक है, प्रोसेसिंग चलती कैसे। ये यूजफुल कोई, ये मीनिंगफुल प्रोग्राम नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर आउटपुट नहीं देगा। देखो ये इफ फॉल्स हुआ तो इसने इस एलिफ को चेक करा, एलिफ बी इज लेस देन ए, क्या बी लेस देन ए है? B less than A नहीं है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई बच्चों तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, है ना, ये अंदर जाएगा ही नहीं। ये क्या करेगा? इसको कंपेयर करेगा, है ना। अगर इस इफ पे कब जाएगा? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, स्टेप ये देखो, इस वाले इफ पे गया ही नहीं है, है ना, नेक्स्ट एलिफ पे गया, एलिफ C इज लेस देन A, 6 is less than 12 है भाई। ठीक है, अगर ये है तो क्या करेगा? ट्रू हो गया रिजल्ट, जैसे ट्रू हो गया ये इस पे जाएगा फिर। ठीक है, स्टेप ये देखो, इस इफ पे चला गया, है ना। अब इस इफ पे चला गया, इसका रिजल्ट क्या? C is less than 6 है, ट्रू, तो ये क्या करेगा? ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, C is a smaller number। स्टेप, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, एक इफ के एक प्रिंट के बाद फिर दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट भी थी, वो भी इसने एग्जीक्यूट कर दी। ये देखो क्या आउटपुट दिया इसने, सी इज स्मॉलर नंबर, है ना, क्या आउटपुट दे दिया? एंड एंड ऑफ प्रोग्राम, ये एंड ऑफ प्रोग्राम तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब इसने क्या दे दिया? C is smaller number। चलो कुछ लॉजिक बना इस प्रोग्राम का।
अगर मान लो हमारा ए स्मॉल है तो ये उसको निकाल के दे देगा, अगर हमारा सी स्मॉल है तो ये प्रोग्राम उसको निकाल के दे रहा है, ठीक है। अच्छा चलो हम दूसरा चेक कर लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, बी को स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, बी को स्मॉल कर देते हैं। अब जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ओके, स्टेप ए इज लेस देन बी, नो, ओहो, क्या किया इसने, डायरेक्ट बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, क्योंकि इसकी ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई है ना, ये जो इफ कंडीशन है बच्चों ये फॉल्स हो गई। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेगा, अंदर इस इफ पे तो जाएगा ही नहीं, जब इस इफ पे नहीं जाएगा तो आगे वाले तो इफ पे जाने का मतलब ही नहीं है ना। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये बी को स्मॉल नहीं निकाल के देगा इफ ए इज स्मॉलर देन बी, उस केस में ये अंदर जाएगा ही, ठीक है। ये इसने लास्ट वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट लिख रखी हमने एंड ऑफ द प्रोग्राम, उसको एग्जीक्यूट कर दिया इसने एंड ऑफ द प्रोग्राम। व्हाट इफ बी इज स्मॉलर देन ए, बी इज स्मॉलर देन ए या ए इज स्मॉलर देन बी, ए स्मॉलर देन बी करके देखते हैं। ए बी से तो स्मॉल है लेकिन ए सी से स्मॉल नहीं है, तो अभी इस केस में देखते हैं ये क्या देगा निकाल के। एक्सिक्यूट किया, ओके, स्टेप ए लेस देन बी ट्रू, अंदर आएगा। ए लेस देन सी नहीं है ना, ए लेस देन सी नहीं है, ए लेस देन सी नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, अगला बी लेस देन ए देखेगा। स्टेप ए लेस देन सी है, ओ ये सिचुएशन में तो है ना, ए तो दोनों से ही छोटा है। हम ए लेस देन हाँ ए लेस देन सी तो हमने ले ही लिया था ना, लेकिन हमें ये लेना था, एक सेकेंड, देखिए प्रिंट स्टेटमेंट इतना टाइम लगा देते हैं। चलो ए को हम इससे तो स्मॉल ले लेते हैं लेकिन ए को सी से स्मॉल नहीं लेते, ये वाले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी है ना आप लोगों को क्या करना बच्चों, साथ के साथ ना ये प्रोसेसिंग चलाओ अपने माइंड में, ठीक है, कि कैसे ये काम कर रहा। अभी देखो ए बी सी ले लिया, 2 3 1 ये कंडीशन है, ठीक है, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, क्या ये ट्रू है, यस और नो, यस मैम, यस, तो ये ट्रू होगी तो अंदर आएगा इस पे। चलो देखते यस प्रोसेसिंग, मैम, पहले हम सोचेंगे फिर हम डिबगिंग करेंगे। ये देखो ए लेस देन बी है, ट्रू, अंदर आ गया। फिर हम देखेंगे ए लेस देन सी है, ए लेस देन सी है, सी के अंदर है 1, नो ये मैम, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स होगी तो किस पे आएगा, इस वाले एलिफ पे आएगा है ना। यस स्टेप मैम, ये देखो, फिर ये चेक करेगा बी लेस देन ए, बी लेस देन ए, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नो मैम, ट्रू है ये वाली कंडीशन, नो मैम, फॉल्स, नो मैम, तो ये इस इफ में तो आएगा ही नहीं ना, अब ये किस पे जाएगा, इस एलिफ पे जाएगा, ठीक है। ये देखो एलिफ पे आया, सी लेस देन ए है ना, सी लेस देन ए है हमारा, यस सी लेस मैम, देन ए यस मैम, है ना, तो ये अंदर भी आएगा, सी लेस देन बी है यस मैम है, तो ये प्रिंट कर देगा सी इज द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, ठीक है। क्या ये हमारा जो प्रोग्राम है अगर हम तीनों को इक्वल लिखते हैं तो क्या ये उसको प्रिंट करेगा, चलो देखते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं।
बच्चों ये कैमरा ऑफ कर लो अपना, ये देखो तीनों को इक्वल। अच्छा अब पहले आप लोगों को बताना, अगर मैं तीनों इक्वल ले लेती हूँ तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, ऑल नंबर्स आर सेम? नो मैम। एग्जीक्यूट करके देखो, इसने कंपेयर किया ये है ना, सबसे पहले ए लेस देन बी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी है ना। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये कहाँ आ जाएगा? अंदर नहीं जाएगा, एग्जिट हो जाएगा है ना। अगर हमने ये एलिफ आगे लिख रखा होता तो इस इफ के फॉल्स होने के बाद ये इस एलिफ पे आता है ना, डायरेक्ट बाहर आ गया। इसको जरा ठीक है। अच्छा अगर हम ये वाला एलिफ यहाँ लिख देते हैं तो क्या ये आएगा, तो इक्वल प्रिंट करेगा क्या इस केस में? सोचो। यस मैम। करेगा? किसी का नो आंसर भी है? रन करके देखते हैं। तो ये प्रिंट करेगा आप लोगों के हिसाब से, ये देखो क्या होगा इस केस में। इफ ए लेस देन बी नहीं है तो ये जैसे ही कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगी वैसे ही ये इसका एलिफ ढूंढेगा, एलिफ या एल्स ढूंढेगा, इसको मिल गया। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इस वाले एलिफ पे आ जाएगा, आया समझ में? ये देखो है ना, फिर से एलिफ पे आया, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, अब ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वैसे ही क्या करेगा, ये इस एल्स को चला देगा है ना, क्योंकि ऊपर की तीनों इफ कंडीशंस फॉल्स हो गई है ना, इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ एलिफ तीनों फॉल्स हो गई। अब इसको जल्दी से रन कर देते हैं। ये इसमें और भी ऑप्शंस हैं, ओवर है, आउट है, क्विट है, तो ये अभी हम नहीं करेंगे। हम अपना जो डिबगिंग का प्रोसेस रखेंगे बच्चों वो पूरा का पूरा इसी हिसाब से रखेंगे कि सारे एक्सिक्यूट करके देखें, नहीं तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं आधा स्टेप ठीक है, लेकिन अवॉइड करना ही क्यों है, अभी तो प्रोसेसिंग देखनी। आया समझ में? क्या दिखा देता है बेटे? हाँ वो आता है ये लिप आगे मैम, इसके नीचे सेकंड वाले इसके नीचे ये, हाँ एम तब ये दिखाता ओल्ड नंबर आर सेम। अगर बी लेस देन ए होता तीनों नंबर इक्वल होते हैं। हाँ तो तीनों नंबर इक्वल है, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटे, कौन सी कंडीशन चेंज करना चाहती हो? स्क्रीन पे लिख के बता दो मैम। इससे पहले जो हमने स्टेप किया था मैम, सेकंड वाले के नीचे लिखा था एलिफ। अच्छा उसमें इक्वल दिखाता, आप ये कह रहे हो ऐसे करेंगे तो? यस मैम। तो क्या दिखाएगा ये ओला इक्वल? तुम बताओ क्या करेगा, ट्राई करो। देखो अब हम पहले ना डिबगर से पहले हम प्रोसेसिंग अपनी चला के देखते, देखो क्या करेगा बच्चों ये। इफ ए लेस देन बी है क्या, ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और ये इस इफ पे कब जाएगा बच्चे? जब इसका रिजल्ट ट्रू होगा अंदर, ये तभी एंटर करेगा है ना। इस इफ का रिजल्ट तो फॉल्स हो गया, जैसे इस इफ का रिजल्ट फॉल्स हुआ ये इसका एलिफ या एल्स ढूंढेगा। इस इफ का कोई भी एलिफ या एल्स नहीं है, इस इफ का है ना, ये एलिफ एल्स तो इस वाले इफ से कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या करेगा, सीधा इस वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते ओके मैम, देख लेते एक बारी स्टेप। ये देखो इसने कंडीशन चेक करी, रिजल्ट क्या है इसका? फॉल्स, सीधा बाहर आ गया है ना, अंदर गया ही नहीं। ये स्टेटमेंट
ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने का मतलब जब बनता है बच्चों, जब एटलीस्ट इस इफ पे आए, अगर इस इफ के सारे के सारे एलिफ फॉल्स हो जाते हैं तो उस केस में इस एल्स को चलाएगा। इसका आया समझ में? यस मैम। ओके, आज हुआ कुछ नेस्टिंग क्लियर कैसे प्रोसेसिंग करता है? ये जो नेस्टिंग वाला है ना बच्चों, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये, ठीक है? तो इसको अभी आज हमने ये किया है, कल इसका हम एक इसी प्रोग्राम को सुधार के एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि जो नेस्टिंग है अभी तो सिर्फ हमने इसकी प्रोसेसिंग समझी है, ठीक है, कि इसकी प्रोसेसिंग ये अंदर कब जाएगा कब बाहर आएगा। तो कल हम इसका मीनिंग नेक्स्ट क्लास में अपना मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाएंगे नेस्टिंग का, ठीक है? यही वाला कर लेंगे, 3 नंबर्स वाला। पहले एंड स्टेटमेंट लगा के किया था हमने, अब कल हम इसको कंप्लीट करेंगे इस प्रोग्राम को, ये नेस्टिंग के थ्रू इसको कंपेयर करके। ओके, एंड करें बच्चों मीटिंग? कोई डाउट है आपको? नो मैम। ओके देन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।